कितनी प्यारी लग रही है, रात को देख रहे हो तुम? हाय हाय हाय, आरसी की पावर दिखाऊं, ये देख रहे हो तुम, ये देखो। रुकवा लिया रुकवा लिया ब्रो, रुकवा लिया। तो भाई कभी आगे कभी कहीं। और बाकी तुम्हें पता है कितना बड़बड़ बचा हूँ अभी मैं ऑन कैमरा, अभी बोलते टाइम भैया पत्थर आ गया था, ऐसी होगी भाई। वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि तुमने कल वाला व्लॉग देखा होगा, पहले तो जो नहीं, जिसने नहीं देखा तो पहले वो वाला व्लॉग देख लो, क्योंकि उसके अंदर है भाई हायबुसा वर्सेस आरसी 390 और उसमें हमारी आरसी विन रही थी। तो जैसा कि उन जो लोग ने वो वाला व्लॉग देखा है तो भाई उन्हें पता होगा कि अभी हम निकल रहे हैं लुआरू के लिए। तो लुआरू के लिए निकल रहे हैं, तो फिर भाई वैसे तो टाइम भाई शाम की लेट हो गई है, पर तुम्हारे भाई के पास आरसी है। बाकी भाई कल वाले व्लॉग में मैंने तुमने लोग देखा होगा 800 रुपये का तेल लगवाया था तारानगर के लिए, और भाई लो फ्यूल राजगढ़ आते ही बस कपड़े चेंज किए, घर पे आके कपड़े चेंज करके ही वापस हाथों हाथ निकलने के लिए तैयार हो गए हम, फिर भी भाई लो फ्यूल। तो पहले इसमें रिफिल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा पिलानी, पिलानी से लुआरू, तो मतलब जल्दी पहुँच जाएंगे। थोड़ी स्पीड कंट्रोल रख के और थोड़ी स्पीड ओवर रख के दोनों हिसाब से ले के निकलेंगे। बाकी तुम्हें मिलते हैं अब सीधा हाईवे पर। कांड हो गया भाई, ये रास्ता बंद पड़ा बिल्कुल से, उधर से घूम के आने से अच्छा तो नरडिया मोहल्ले से होके उधर से आना पड़ेगा फिलहाल। अरे यार चोट होगी ना, शॉर्टकट के चक्कर में लॉन्ग कट हो गया भाई, राजगढ़ राजगढ़ में टाइम लग जाएगा, बाकी हाईवे पे तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। और फ्यूल डलवा लिया है तो अभी बस निकलने वाले हैं थोड़ी स्पीड के अंदर, क्योंकि भाई सर्दी होने से पहले पहले हम पहुँच जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए, बीमार वगैरह नहीं होंगे। बाकी और तो तुम्हारे भाई ने सब कुछ पहन रखा है, ग्लव्स वगैरह, हुडी वगैरह, जूते शूज सब चीज़। तो निकलते हैं अभी राजगढ़ भाई, निकल चुके हैं हाईवे के ऊपर से। तो हाईवे पकड़ने के बाद तो तुम्हें पता ही है भाई साहब, ये देख रहे हो तो अकेले के अंदर तो भाई इतनी पावरफुल हो जाती है, ओए हाय हाय। तो इस स्पीड से तो मैं, मेरे को लग रहा है घंटे ही नहीं लगेगा। बाकी हाईवे पर थोड़ा धीरे कर लेंगे, अभी आराम से सो चलेंगे। तो बाकी तुम लोग जल्दी से व्लॉग बता दो कैसे लग रहे हैं भाई आरसी के ऊपर, और इसकी साउंड तुम्हें सुन लोगे ना एक बार प्यार हो जाएगा। जय श्री नाथ जी, भाई साहब खतरनाक साउंड है भाई, खतरनाक। अभी तो ये मतलब नॉर्मल है, इसके अंदर यदि एससी वगैरह का एग्जॉस्ट आ जाए ना किसी भी कंपनी का, एक्राफोविक एससी या नॉर्मल भी, तो भाई इसकी साउंड इतनी प्यारी जाएगी कि तुम खुद ये कहोगे कि भाई क्या ही चीज़ है ये, अतरंगी चीज़ है भाई अतरंगी। बाकी मिलते हैं आगे के अंदर, कितनी जाती है भाई ये 130 लास्ट डाउंगा, और 130 प्लस तो गई तो पांचवें गियर में ही। ये देखो तो ये लेन हो गए हम, ये ओ भाई बस अब धीरे। बाकी तुम दोबारा दिखा दो तुम, ये देख रहे हो तुम, ओ हो हो, लेन होने के बाद तो भाई इसकी रॉकेट जैसी रफ्तार हो जाती है, देखो ये देखो, ओ हो 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 हो, ओ भाई साहब माय गॉड, रिकॉर्ड तोड़ दिया खुद का ही भाई, कल वाले व्लॉग का रिकॉर्ड तोड़ दिया खुद ने, कितनी बेहतरीन भाई, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई कैसी लग रहा है, कैसा लग रहा है जल्दी कमेंट कर दो। बाकी भाई रोड खाली है, सेफ्टी के साथ भगा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ भाई यहाँ भीड़ भड़ाका है तो भगाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी के साथ भगाइए। बाकी तुम कमेंट करके जल्दी बता दो भाई कैसी लगी जल्दी से यार, सी 390 कैसी भाई कैसी, अब नहीं है भाई प्यार आएगा जिस दिन तुमने इससे, क्या ही बोलूँ मैं, मेरी तो बोलती बंद हो गई भाई जिस स्पीड से ये आई है ना भाई, हाय 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 मज़े आ गए। लव दिस बाइक ब्रो, लव दिस, सीरियसली लव दिस। अगेंस्ट खाली रोड आई है, खाली रोड आए और 130 ना जाए आरसी तो क्या फ़ायदा आरसी लेने का, ये देख रहे हो तुम 130 ऐसे जा रही है, मतलब हाफ रेस दे रखी है, फुल तो जुआ ना तो पता नहीं कहाँ जाएगी, अब फुल है, अब ये चढ़ेगी धीरे 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 धीरे, ये देख रहे हो तुम भाई साहब, ये गई ये गई ये गई, ओ हो हो, अभी हाफ में थी भाई, ये देख रहे हो फुल देने के बाद, अब फुल दे दी भाई, माय गॉड कितना प्यारा है भाई। तो क्या करें गाइस, कैसी लग रही है आरसी जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। एक सिनेमेटिक देते हैं अभी इसको रोक के साइड में, इसका सिनेमेटिक लेते हैं अभी वहाँ तक रोक के ऑन कैमरा में,
ओहो भाई साहब, थोड़े ठंडा भी करते हैं। बाकी ठंड हो गई है, घर से निकले थे ना तब इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पहुँचने पर थोड़ी सर्दी लगनी महसूस हो रही है, मतलब सर्दी महसूस होने लगी कि हाँ भाई सर्दी लग रही है। हो अभी तुम्हें सिनेमेटिक इसका दिखाता हूँ भाई, व्यू दिखाता हूँ आरसी का, कितना प्यारा लगेगा। ब्रेक मारो, स्टॉप पे लग जाएगी भाई, जल्दी से ब्रेक मारने का था। अब करते हैं देख ये, ओ भाई इस पर भी स्टॉपी लगी है इसकी, तुम लोगों को नहीं पता, इस पर भी इसकी स्टॉपी लगी है। और भाई कैसे ओवर स्पीड कर रहे हैं यार, स्लो यार, कितनी प्यारी लग रही है रात को, देख रहे हो तुम। हाय हाय हाय, लव हो गया ना इससे, तुम लोगों को भी। जल्दी से बाकी एक स्नैप बना लेते हैं। तुम लोग देखना चाहोगे कि फर्स्ट गियर में इसकी टॉप एंड 1 2 3 54 भाई साहब, दूसरे में 57, तीसरे में 100। ओ भाई साहब, मतलब पहले में 54, दूसरे में 57, तीसरे के अंदर 100, तो मतलब इस टाइप का है इसका टॉप एंड। बाकी और सारे गियर में करेंगे तो भाई बहुत हैवी चली जाएगी। बाकी ये भी ठीक है भाई, हमारी ड्यूक 125 तो 6th गियर में जाती थी, और वो भी काफ़ी टाइम लगाने के बाद। ये तो इतनी इस स्पीड से जा रही है कि पता ही नहीं, 0 to 100 करके देखें तुम कहो तो। बाकी रहने देते हैं यार, चलते हैं सीधा सीधा। ओ हो, रास्ते पे देख रहे हो तुम, दूर से दिख गया, नाइट होती ना तो नहीं दिखता ये डॉग, यहीं रात होती ना तो, रात को ड्राइव हमेशा स्लो करनी चाहिए, रात होती तो ये कुत्ता नहीं दिखता, एकदम पास आने पे दिखता और दिक्कत हो जाती। इसलिए भाई जो भी मेरे भाई मेरे को देख रहे हैं तो प्लीज़ सेफ ड्राइव करना। बाकी कमेंट में यह मत करना कि तुम खुद सेफ नहीं चला रहे, भाई मैं पूरा ध्यान रख के चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शहर के अंदर स्लो ही ड्राइव कर देंगे हम लोग। बाकी हाईवे है, हाईवे पे तुम लोग थोड़े भगा सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई हमीरवास, इतना जल्दी हमीरवास आ गया, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा कि भाई किस रफ्तार से हमीरवास आया है, क्योंकि तुम्हें पता है भाई गाड़ी वगाड़ी चलाते रहते हैं तो गाड़ियों में भी इतना टाइम लगता है जितना तुम पूछोगे क्या बताएं तुम्हें। और आज बाइक पे आरसी पे इतनी जल्दी हाई, तो गाइस पिलानी पहुंच चुके हैं और पता भी नहीं चला भाई पिलानी किस स्पीड से आ गया। बाकी नाश्ता पानी करते हैं, क्योंकि सुबह से भाई कुछ नहीं खाया मेरे को, तो अब याद आया भाई राइड करते करते थाली बैठा था ना, तब याद आया भाई कुछ खाया ही नहीं है, तभी पेट ऐसे कर रहा है थोड़ा। तो बाकी पिलानी पहुंच चुके हैं इतनी स्पीड के अंदर, मतलब इतनी जल्दी कि मेरे को खुद को मालूम नहीं पड़ा भाई इतनी जल्दी पिलानी मैं कैसे आ सकता हूँ। भाई एक बार नहीं नहीं है ना तो ऐसे ही होगा, क्योंकि पहले ड्यूक वगैरह पे आते थे तो भाई काफ़ी टाइम लगता था, अब ये ले ली तो इसको इसी हिसाब से चलाते, उसको इस हिसाब से चलाते थे। उसकी मतलब टॉप स्पीड यार 120-122 थी, हाँ शायद 123 चढ़ाई थी मैंने, और इसकी 100 टॉप स्पीड तो अभी चेक भी नहीं कर सकते भाई इतनी ज़्यादा है। देख रहे तुम, ओ हो, थोड़ी सी बबलिंग मारती है भाई ये टायर आगे वाला, अभी ऐसे लीन की थी ना तब पता चला कि हाँ भाई बबलिंग मार रही है भाई। रुको भैया रुको, अभी तो ब्रेकिंग वगैरह भी कंट्रोल नहीं है ना अच्छे से, उसको तो भाई मैं खड़ी को कहीं भी रोक देता था, कहीं भी ब्रेक मार देता था। बाकी कंट्रोल इसका भी प्यारा है देखो, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, पर भाई कहीं कहीं मेरे को ये डिसएडवांटेज लग रही है आरसी की। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं बाद में शेयर करूँगा, अभी तो रास्ते में क्या शेयर करूँ तुम लोगों के साथ, अभी पता चला है, क्योंकि भाई सुबह से यदि तो तीन घंटे लगातार ड्राइव किया ना तो फिर पता चल रहा है कि हाँ भाई इसकी डिसएडवांटेज भी है कुछ ना कुछ, लोग ऐसे ही नहीं कहते इसको। बाकी भाई पावर में कोई कमी नहीं है सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर, सिंगल सिलेंडर बाइक के अंदर पावर में बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कमी तो मैं मान ही नहीं सकता, इस बाइक में कोई कमी बताएगा ना तो भाई मैं नहीं मान रहा, और ना ही भाई कोई राइडर होगा जो बाइक की जिसको नॉलेज होगी वो भी नहीं कह सकता कि भाई इस बाइक में कमी है कोई भी। बाकी डिसएडवांटेज है बहुत सारे, तो अभी खाते हैं कुछ और फिर निकलते हैं भाई पिलानी से भी। ब्रेक क्लोज कॉल तो बनता ही है यार ये भैया, स्कूटी वाले भैया ने देखा था तुम लोगों ने, स्कूटी वाले भैया ने जानबूझ के मेरे साइड की, मैं ओवरटेक मार रहा था। तो गाइस चेक किया फ्यूल है और आरसी पावर दिखाऊं, ये देख रहे हो तुम, ये देखो, ओ भाई पावर देख रहे थे तुम इसके, ये देखो ऐसी सड़कें, कहा था ना कि भाई जब इसको ऐसी सड़कें मिल जाती ना तो ये फिर ऐसे ही जाती है, तब तक ऐसी सड़कें नहीं मिलती ना तब तक स्लो जाती है भाई ये, ऐसी सड़कें मिलने के बाद तो ये रफ्तार बन जाती है अपने आप, पता नहीं भाई मैं नहीं भगाता इसको, ये अपने आप भागती है।
इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मेरे हाथ तो ये रहे बस। अब इस पे मीम्स मत बताने तुम दो। ये चेक करो तुम लोग, पावर लिफ्टिंग चेक करो भाई। वाह कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी लाइटिंग भी ठीक है भाई इसकी, एकदम फोकस वाली है ये देख रहे हो। बस थोड़ी सी नाइट होगी ना, नाइट का थोड़ा स्लो ड्राइव करे तो ही अच्छा है, बिकॉज नाइट का थोड़ा दिखता कम है। और हेलमेट आ गया, हेलमेट के अंदर शीशा, शीशे के ऊपर जब लाइट पड़ती है ना तो भाई आंखें में से कुछ नहीं दिखता हेलमेट वाले शीशे से, पता नहीं क्यों। बाकी गाड़ी वाले शीशे में इतना दिक्कत नहीं होता जितना हेलमेट वाले शीशे में मेरे को दिक्कत हो रही है। ये देख रहे हो तुम, अभी ये बोलेरो ने हमें ओवरटेक मारा था, अभी हमने इसका बदला ले लिया। हमने गाइस फाइनली लुआरू एंटर हो चुके हैं और अपने भाई हमें लेने आ चुके हैं, क्योंकि भाई यहाँ से आगे का रास्ता हम नहीं जानते उस बिल्कुल भी, यहाँ तक का जानते हैं तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब तो भाई मामे की, मामे का दर्शन हो रहा है, मामे का लोगों का। ये दुष्यंत ब्रो कैसे हो? दुष्यंत भाई बैठो, बैठ तो। गाइस सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग बीच व्लॉग में, और अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी देर में लुआरू से। पहले भाई कुछ खिला पिला के ला रहे हैं तो कुछ खा भी लेते हैं और फिर निकलते हैं। बाकी फीडबैक भाई बाइक की एक नंबर की मिली है यहाँ पे, अनु भाई जी ने चला के देखी थी भैया, कह रहे शानदार चीज़ एक नंबर। बाकी भाई रोडे तो ठीक नहीं है लोहारू की बिल्कुल भी, अंदर की एकदम ख़राब कहते हैं ना, वो वाली है ख़राब बिल्कुल से बिल्कुल वाली। ये रिएक्शंस मिल रहे थे ब्रो, वो हो ब्रेकर, इतने बड़े ब्रेकर पे नीचे चढ़ जाती है भैया। बाकी भाई चलते हैं अभी यहाँ से, बाय बाय भाई, मिलते हैं जल्दी, आ जाओ ठीक है। लेट्स गो गाइस, चलते हैं अभी लुआरू को करते हैं अलविदा, राजगढ़ को पास लगते हैं, राजगढ़ के जल्दी से जाके ठीक है। लेट्स गो गाइस, निकलो 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 जल्दी जल्दी से भाई साहब। बाकी हरियाणा में इंटर होते टाइम भाई प्लीज़ रोकेगी हमें कंफर्म, हरियाणा के राजस्थान में इंटर होते टाइम, बिकॉज हरियाणा से राजस्थान जाते हैं तब तो रोकेगी, चुनाव का टाइम है। और बाकी आज देखते हैं रोकती है नहीं रोकती, मेरे हिसाब से तो रोकना चाहिए, रोकेगी तो दिक्कत आ जाएगी ब्रो, कुछ नहीं लिखे हम इसका। ये देख रहे हो कितनी जल्दी चढ़ती है भाई साहब, कितनी जल्दी, आय हाय हाय हाय, 2.2 किलोमीटर पर लीटर डिफेंडर से भी कम एवरेज दे रही है भाई, ये क्या दिखा रहा है ये? कुछ भी। बाकी एक चीज दिखा दो भैया, यहाँ पे हाँ मिट्टी है ना, तो हरियाणा को वो लुहारू को बाय बाय तो कर देते हैं अच्छे से, मिट्टी नहीं है ये पराली है, इसे पराली कहते हैं तुम लोग पता होगा। ये देखो तुम, बाय बाय हरियाणा, ये बर्नआउट देखा तुम लोगों ने कितना प्यारा था। बाय लुहारू से राजगढ़ 60 किलोमीटर, मतलब एक घंटे का रास्ता, एक घंटे का रास्ता नॉर्मल आदमी अवेले है। और जब तुम्हारे पास आर से देर सना पाओ तो देखते हैं कितनी देर में कवर होती है अभी ये टाइम। ओहो मेरे कर लेता कि पुलिस वाले मेरे गेट से रुकवा लिया, रुकवा लिया, रुकवा लिया ब्रो, रुकवा लिया। नहीं रुकवाया क्या, बता के तो ऐसे ही आए थे जैसे रुकवा ही रहे हैं। गाइस वैसे तो पिलानी पहुंच चुके हैं पर एक बार चैन चेक कर लेते हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे चैन में आवाज़ आ रही है उसकी, मतलब वैसे तो हम राजगढ़ से निकले थे ना तब चैन
राइट करवा के निकले थे। बाकी अभी आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी, देखे नहीं यार ल्यूबिंग की गाड़ी है भाई ये, इसको क्लीन करना पड़ेगा और फिर ल्यूब करना पड़ेगा। इस पर देख रहे हो चैन क्लीनर मांग रही है, ये ल्यूब मांग रही है भाई साहब, बेहतरीन वाला एकदम सूखी पड़ी है चैन। ल्यूब करते हैं राजगढ़ आगे, या देखेंगे रास्ते में कोई दुकान मिलेगी तो वहाँ से ल्यूब करवाना पड़ेगा इसको। ये ल्यूब के कारण आवाज़ आ रही है, चैन टाइट है। वैसे पिलानी पहुँच चुके हैं भाई, राइडर बन रहे हो। ओहो राइडर बन के दिखा रहे थे क्या मैं, यू नो ब्रो। ओहो ये कितना प्यारा कट था यार भाई, वो तो अब तुम्हें तो फील आएगा नहीं, पर बाकी भाई मैं चला रहा था ना फील एक नंबर का। तो गाइस हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई भैया, चार बार ओवरटेक मार गया ये बाइक वाला। हाँ ये वाला कभी आगे कर रहा है कभी पीछे कर रहा है, क्योंकि पीछे रोड ख़राब थी तुम्हें पता होगा, पिलाने से निकलता टाइम तो भाई कभी आगे कभी कहीं कभी कहीं। और बाकी तुम्हें पता है कितना बड़ बड़ बच्चा हूँ अभी मैं ऑन कैमरा, अभी बोलते टाइम भैया पत्थर आ गया था, ऐसी होगी बाइक बिल्कुल से। बाकी भाई आराम से चलने का प्लान है पूरा, देखो सक्सेसफुल हो पाता है तो 100 लास्ट। हाँ बस इस स्पीड से चलने का प्लान है राजगढ़ तक। बाकी व्यू बता दो और आरसी के बारे में जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कैसी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है या ख़राब लग रही है या जैसी भी लग रही है, जल्दी जल्दी कमेंट मार दो। तुम्हें क्या क्या चाहिए, इसको सेल करूँ वापस दे दूँ या फिर रखूँ, जल्दी से कमेंट करके बता दो। कराते हैं ये देख रहे हो, सौ तक तो ये पता ही नहीं चलने देती कि क्या 150 भाग जाती है बिल्कुल भी। गोली की रफ्तार कहते हैं ना वो है, बस ये कन्फर्म गोली की रफ्तार। लो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं राजगढ़, बीच में रुक गए थे भाई कहाँ रड़वा, कोई भाई अपने साथ वाला मिल गया था उधर, आधे घंटे स्पेंड करके आ चुके हैं राजगढ़। तो अभी चलते हैं घर, पहले नवीन के पास चलते हैं भाई, उसकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई उतारे, देख रहे तुम। तो इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, यहाँ तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाकी आरसी के नाम पे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, दासू व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय, गुड नाइट।